नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में धनतेरस का बड़ा महत्व है। दिवाली के पर्व से ठीक पहले पड़ने वाले धनतेरस के त्यौहार को धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व धन से जुड़े कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको धन लाभ होगा, साथ ही आपके घर में से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को है। इस दिन भगवान धनवंतरी जी के साथ माँ लक्ष्मी, कुबेर और यम और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस पर करे जाने वाले कुछ आसान उपाय, जिनको करके हम अपने जीवन में आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त आप दीपदान जरूर करें। दिवाली के दिन तक माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं, इससे आर्थिक समस्या दूर होगी। धनतेरस के दिन आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा और अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करें, इससे आपको धन की कमी नहीं रहेगी और आपकी जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी। इस दिन किसी भी किन्नर को दान देना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप उससे एक सिक्का मांग लें। इस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में या पर्स में रखें, इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। धनतेरस पर किन मंत्रों तेरस के दिन स्वर्ण और चांदी खरीदने की प्रथा है, परंतु संभव ना हो तो पीतल के बर्तन, पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदकर माता को चढ़ाएं। धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस में माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की पूजा भी करें। आप कुबेर यंत्र लाएं, इसे आप तिजोरी में रख सकते हैं। कुबेर मंत्र पढ़ें, इससे धन संबंधी हर तरह की परेशानी का अंत होगा। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन होता है, लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता, इसलिए आप इस दिन पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं।